नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 8 नवंबर 2019 के लिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैंने निफ्टी नवंबर फ्यूचर का चार्ट ओपन किया है। इधर देखिए, ये कंटिन्यूसली अप मूवमेंट रखा है तो, लेकिन ये आज निफ्टी 50 जो इंडेक्स है ये ओपन इक्वल्स टू हाई है, मतलब ओपन होने के बाद वो नीचे ही गया था। कल मैंने देखा था उधर लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है ऑप्शन चेन में, तो इधर ये 38.2% में आया था 38%, लेकिन 61.8% का नीचे जा नहीं पाया, तो इसीलिए फिर से अब में चला गया। अभी लगता है ये इसके ऊपर वो जाएगा तो 12,100 के ऊपर जाएगा, तो 12,200 ऐसा तक जा सकता है। नीचे आएगा तो इधर 11,970 के नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद 11,890, 11,819, 11,782 और इसके बाद 11,680 तक जा सकता है, लेकिन इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी अभी बहुत कम है। इसके अंदर ये कंसीड करते करते थोड़ा सा ऊपर जाएगा 12,300 तक ऐसा लगता है। और बैंक निफ्टी का ये थोड़ा सा आप मन आके कंसीड करके करके ऊपर ही जाएगा लगता है। और बैंक निफ्टी का जो देखिए इधर 30,882 तक गया है, इसके ऊपर गया नहीं पाया। 31,000 में इसका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। 31,000 क्रॉस करेगा तो ये 31,500 तक जा सकता है। नीचे इसका सपोर्ट है 30,370 में, उसके बाद 30,080, 30,000 के नीचे 29,700, 788, उसके बाद 29,630, उसके बाद 29,400 के नीचे जा सकता है। तो ये भी ऊपर ही रहेगा, उस कंसोलिडेट कर करके ऊपर ही जाएगा, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। ऑप्शन चेन में इसको देखेंगे तो इसका ये दोनों का प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ये आप लोग पहले देख लीजिए, ये तो वीडियो ख़त्म हो जा सकता है। तो इधर देखिए निफ्टी का करेंट स्टॉक प्राइस अभी 12,016 चल रहा है। इसका कॉल इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी दिया, पुट इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी दिया, 7 डेज का बाकी है। 11,900 में इसका सपोर्ट है और 12,100 में इसका रेजिस्टेंस है, तो इधर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब अप ट्रेंड निफ्टी का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बैंक निफ्टी भी ऐसा है, इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और निफ्टी का मैंने इसका पीसीआर रेशियो 1.18 ऐसा कुछ है, मैंने कैलकुलेट कर रहा था 1.13 इसका है। और इसका 12,000 फर्स्ट रेजिस्टेंस 12,100 में है और उसके बाद 12,200 में है इसका रेजिस्टेंस। इसका 12,100 में इसका देखिए लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ओपन इंटरेस्ट भी बड़ा है, प्राइस भी बड़ा है। और इधर रेजिस्टेंस है 12,900 में, इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इधर भी लॉन्ग बिल्डअप होता था तो मेरा लगता है इधर कुछ ये जो शॉर्ट हुआ है इधर कुछ शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, तो निफ्टी और भी ऊपर जाएगा। तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन देखा है और इसमें देखिए इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 575, 175 और इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 854, मतलब इधर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इधर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ड्राइव करेगा उधर। और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखूंगा तो फर्स्टली